वेलकम बैक टू मेरी दुनिया। तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंस का टिफ़िन रेडी हो गया है। आप सबको पता ही है प्रिंस अभी स्कूल जाता है, तो उसके लिए मैंने टिफ़िन रेडी कर लिया है। उसके टिफ़िन में आप लोगों ने देखा मैंने क्या क्या दिया है, और साथ ही साथ आप मेरे किचन का हालत अभी देख सकते हैं। सुबह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चावल बनाई हूँ, क्योंकि प्रिंस आज चावल खा के गया। ऐसे हर दिन वो चावल खा के नहीं जाता है, लेकिन किसी किसी दिन खा के जाता है। तो यहाँ पे हो गया है, और चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो उसके बाद से गाइस मैं चाय पी चुकी हूँ और खाना बनाऊँगी। उसके पहले मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। आज दिन है सोमवार, आप सबको पता ही है कि महीना मतलब 4 तारीख है, तो आज शॉपिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज पूरा मंथ का ग्रॉसरी नहीं रहता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो चलिए आज का दिन ना बहुत ही बिजी होने वाला है, और घर चल के आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ, क्या क्या शॉपिंग लेके आई हूँ। तो आप सबको पता ही है लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये सारे चीज़ ना मैं अकेले लेके आई हूँ, और सबको उठाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिनको नहीं पता गाइस मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके वजह से मुझे उनका हस्बैंड वाला काम भी मुझे ही करना पड़ता है। अदरवाइज बाजार हाट सब कुछ मुझे लेके आना पड़ता है। नहीं लाऊंगी तो खाना भी बनाने नहीं पाऊंगी, क्योंकि सब कुछ मुझे मार्केट से अकेले लेके आना है। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ लाल साग। लाल साग मीन्स हमारे यहाँ इसको लाल साग बोलते हैं, तो मैं लाल साग और साथ में मैं लेके आई हूँ मछली। तो लाल साग और मछली फ्राई करूँगी, तो आप देखते रहिएगा, और ब्लॉग को कैसा लगता है आपको मेरा रिप्लाई कीजिएगा। और कल से ना बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, और आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मेरे राशन का कितना रुपया का सामान लगता है, और क्या क्या सामान मैं मंथली में ले कर चली जाती हूँ, कमिंग क्या क्या सामान मैं लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोपहर का खाना में है हमारा लाल साग, और यहाँ पर है चावल, और ये है फिश फ्राई। हम लोग को तो बहुत ही पसंद है, लोगों तो ये खाना बहुत पसंद है। आप अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए अभी टाइम हो गया, खाते पीते काम करते खाना बनाते टाइम हो गया प्रिंस को स्कूल से लाने के लिए। अगर उसके पापा होते तो मुझे इतना भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, उसके पापा नहीं है बोल के मुझे इतना भाग दौड़ करना पड़ता। तो चलिए हम लोग आ गए हैं स्कूल, और प्रिंस को लेके चलते हैं घर। प्रिंस आज मुझे कर दिया है हैप्पी बिना बोले। देखिए वो जो भी पढ़ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे प्रिंस को बोलना नहीं पड़ता है। तो देखिए टाइम हो रहा था, वो अपने टाइम पे देखिए बैठ गया है। इतना गुड बॉय होते जा रहा है ना प्रिंस, मतलब डे बाई डे। छोटा मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे, तो वो पढ़ाई करने बैठ गया है। चलिए पूरा दिन का काम खत्म हो गया, अब मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, उसके बाद से नाइटी पहन लूँ, और उसके बाद से आप लोग से मिलती हूँ। फिर पूरा शाम का ब्लॉग हम लोग करते रहेंगे। आज दिन है मंडे, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। न्यू पेंसिल आज प्रिंस खरीदवाया है, इसका पूरा पैकेट ही खरीदवाया है, दिखा दो। तो आपके वहाँ ये पेंसिल का पूरा बॉक्स कितना करके मिलता है? इसका 70 रुपीज़ प्राइस है, यहाँ पे 68 रुपीज़ में देते हैं, तो आपके वहाँ पे कितना रुपीज़ में देते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और ये देख लीजिए प्रिंस पढ़ रहा है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आने वाला है। अब ये 9 बजे के पहले पढ़ के नहीं उठेगा, तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों को आप जैसा शिक्षा दो, बच्चों को जैसा बनाओ, बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो मेरा अकेले मेरा सारा, मुझे ऐसा लगता है ना मेरा प्रिंस बड़ा हो जाएगा तो मेरा सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। लव यू बेटा। तो चलिए गाइस मैं चाय लेके आती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। चलिए आज दिखाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंस पढ़ाई की कर ही रहा है, और मैं अपना ड्रेस चेंज करके नाइटी में आ गई हूँ, और यहाँ पी रही हूँ चाय। और चाय पीने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज मैंने ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या शॉपिंग किया नहीं किया, ये सारे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और चलिए दिखाती हूँ कि मेरा मंथली में क्या क्या लगता है। तो पहले चलिए आपको दिखाती हूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूंगी। तो आज मैं मंथली का क्या क्या सामान लेके आई हूँ यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं ये है मेरा दाल, और इस दाल को आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। ये वाला दाल है, और इसका रेट भी मैं हर चीज़ का बताती जाऊँगी, आपके वहाँ इसका रेट कितना है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। फिर ये वाला दाल लिया है, ये मेरा सब मंथली का है गाइस, तो आप तो देखते रहिए और बताते रहिए। दाल से ही शुरू करिए, ये वाला दाल, फिर आपका यहाँ पे है चीनी, ये धुपकाठी भी मैं एक बार में ही लेके आ जाती हूँ, तो देख सकते हैं ये मेरा धुपकाठी है, जो मंथली मेरा लगने वाला है, तो ये वाला धुपकाठी चलेगा, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। ये है हमारा आटा, आटा मेरा इससे भी ज़्यादा लगता है, 1-5 किलो ही है, क्योंकि मैं एक बार में जितना सामान ला पाती हूँ उतना ही लाती हूँ आटा और चावल। मतलब फिर एक बार जब मैं बाबू को स्कूल लाने या ले जाने जाऊँगी तो वहाँ से आटा और चावल लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 किलो चावल, 5 किलो आटा है, इसको साइड कर देते हैं, बाकी सारा सामान देखते हैं। ये देख सकते हैं ये है सॉस, काबली चना, ब्लैक वाला चना,
सरफ का पैकेट, अजवाइन का पैकेट, माचिस जो पूजा घर में लगता है, जीरा, गोटा जीरा है ये, सूखा लंका, ये वाला बिस्किट का पैकेट है जिसको हमें चाय के संग चाहिए, ये वाला भी चार पैकेट लाइन होगा, एक पैकेट मैंने खा के डब्बा में डाल दिया। रेड चिली पाउडर, इलायची, यहाँ पे देख सकते हैं धनिया पाउडर, काला जीरा, गोल मरीच पाउडर, हल्दी, चना मसाला, मुझे घर में मैं एक बार में ही बाजार कर लेती हूँ क्योंकि बार बार मुझे ही जाना पड़ता है, और ये कभी मैं बेटा ज़्यादा मैं खाती हूँ, बेटा को तो कम देती हूँ, आपको देखते ही उसका टिफिन वगैरह, मैं ज़्यादा मैं भी खाती हूँ, मेरे लिए मतलब इसमें से एक दो बेटा भी खा लेगा। ये हस्बैंड जी के लिए, ये बेटा का है पास्ता, ये हस्बैंड जी और सासू माँ का है पापड़, ये 4 लीटर तेल है एक एक लीटर करके, रिफाइंड तेल, ये है आपका शक्ति, ये है आपका बेसन, सूजी, दलिया और भी बहुत कुछ है जो अलग साइड में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए पहले इसको क्लोज से आपको दिखा देती हूँ।